शाजापुर तहसील कालापीपल ग्राम बाबचा की जलभराव समस्या का अवलोकन करने के लिए कलेक्टर दिनेश जैन बाबचा पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने जलभराव के कारण हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। कलेक्टर ने नाव से ग्राम में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने जलभराव के कारण हो रहे खेतों के नुकसान को देखा और ग्रामीणों से चर्चा भी की। कलेक्टर ने कहा कि जलभराव के कारण हो रहे नुकसान का आकलन करने के लिए जल संसाधन एवं राजस्व विभाग के दल को भेजेंगे तथा पुलिया को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। साथ ही ग्राम में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जनजाति कार्य विभाग को निर्देशित करेंगे। इस दौरान कलेक्टर को स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं से अवगत करते हुए बताया कि जलभराव के कारण उन्हें विद्यालय आने जाने में दिक्कत हो रही है। कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक को भी निर्देश दिए हैं कि बांध के कारण डूब से प्रभावित किसानों एवं उनकी भूमि का सर्वे करें और रिपोर्ट भेजे। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2020 में पार्वती नदी पर यह बांध जल संसाधन विभाग ने बनाया है। उसके बाद से ग्राम में हर वर्ष दिक्कत आ रही है। कई किसानों को फसल डूबने से नुकसान हुआ है। इस मौके पर तहसीलदार हल्का पटवारी व नवनिर्वाचित सरपंच रामबाबू मालविया कालापीपल जनपद सदस्य विष्णु गुरु मौजूद रहे। शाजापुर से मुकेश हरिवार की रिपोर्ट।